एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। माय नेम इज मनीषा बलहरा और आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं जुलाई पार्ट टू करंट अफेयर कंपाइलेशन सीरीज। जुलाई का पार्ट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लास में, आज हम लोग पार्ट टू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये करंट अफेयर की सीरीज समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा टॉपिक क्लैरिटी बन रही होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट आपको लगता है कि अगर है आपके पास जो चीजें नहीं क्लियर हुई हैं, तो यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, चलो आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं फ्रॉम आर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड ईयू। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, इसने दोनों ने मिलकर एक सिविल न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया है। ठीक है, इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया हुआ है, जिसमें से अब एक ईयू भी शामिल हो गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द सिविल न्यूक्लियर पैक्ट, तो हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग सिविल पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं और मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिविल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बिलीव कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनानी है फ्रॉम द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मिलिट्री यूज करते हैं, इसका मतलब वी आर फोकस्ड ऑन द न्यूक्लियर वेपन की जनरेशन। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको लिखा दिखे कि सिविल न्यूक्लियर पैक्ट है, इसका मतलब दोनों कंट्रीज ने मिलकर बोला है कि जितना भी पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, पीसफुल यूज का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी, दैट इज अ गुड इनिशिएटिव। अगर जितनी ज्यादा एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ पाएगी, उतना ही हम लोग कोल पावर प्लांट्स को कम यूज करेंगे। अगर इसको हम लोग कम यूज करेंगे, इसका मतलब पोल्यूशन भी कम होगा, है ना, और जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग है वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। ठीक बात है, तो इंडिया और ईयू ने मिलकर एक सिविल न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया है, जिसमें दोनों कंट्रीज ने पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करी है, स्पेसिफिकली फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसमें फोकस किस चीज पर रहेगा, फोकस ऑन द कोलैबोरेटिंग टू एक्सप्लोर न्यू वेज टू यूटिलाइज द न्यूक्लियर एनर्जी। आप पीसफुल तरीके से उसका यूज कर सकते हैं बाय मेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और भी अगर आप चाहते हैं कि इसका यूज नॉर्मल लाइफ में हो सके, मेडिकल पर्पसेस के लिए हो सके, तो फिर अल्टीमेटली उसके लिए भी नए नए जो इन्वेंशंस हैं इन दोनों कंट्रीज के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो क्लियर है, इट इज द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और अभी क्या है, हम लोग इंडिया में देखो, हमें पता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम 235, बिकॉज इट इज अ फिजाइल मटीरियल। फिजाइल मटीरियल का मतलब होता है, अगर हमने इसको यूज किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो एक चेन रिएक्शन बनाता है और वो चेन रिएक्शन चलती रहती है और अल्टीमेटली जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती रहती है। तो जो फिजाइल मटीरियल होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द चेन रिएक्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब तक यूरेनियम 235 खत्म नहीं हो जाता। ठीक बात है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में यूरेनियम रिजर्व ज्यादा है नहीं। इंडिया में ज्यादा क्या है, इंडिया में थोरियम रिजर्व ज्यादा है। थोरियम को भी हम लोग यूज कर सकते, बट एक ध्यान रखना इस चीज को, थोरियम इज नॉट अ फिजाइल मटेरियल, इट इज अ नॉन फिजाइल मटेरियल। पहले थोरियम को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अदर सब्सटेंस, जिसकी वजह से उसको हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज कर सके। तो थोरियम को किसी और चीज में कन्वर्ट करना किसी रिएक्शन के थ्रू, ये सब भी जो है दोनों कंट्रीज मिलके देखेंगी कि भाई इंडिया में थोरियम इतना सारा प्रेजेंट है, तो इसको भी हम लोग क्यों नहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज कर ले। क्योंकि अभी जो इंडिया है, इंडिया इज यूजिंग यूरेनियम 235, क्योंकि इट इज अ फिजाइल मटीरियल, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को ये मेंटेन करके रखता है। तो इंडिया को ये इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम अदर कंट्रीज, फ्रॉम द यूएसए, फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम द कनाडा, ना फ्रॉम द कजाकिस्तान। तो ये कुछ चार कंट्रीज हैं जिससे इंडिया का सबसे ज्यादा यूरेनियम हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यूरेनियम की जगह थोरियम यूज कर पाए, तो हमारा डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज ये भी कम हो जाएगा,
तो इंडिया ये चाहता है कि हम लोग इंडिया में बने हुए मटेरियल से न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट कर पाए, ताकि हमें किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए भी ये लोग टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करेंगे कि भाई कैसे थोरियम को हम लोग यूज कर पाए, बिकॉज इट इज अ नॉन फिजाइल मटेरियल। इसको पहले किसी और चीज में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करेंगे। दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डील। अगर हम देखें कि इंडिया ने कौन कौन सी कंट्रीज के साथ में ऑलरेडी न्यूक्लियर डील साइन की हुई है, तो इंडिया ने फ्रांस के साथ सबसे पहले सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी इन 2008। उसके बाद यूएसए से भी करी है, रशिया से भी करी है, और बाकी अदर कंट्रीज भी हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ईयू वाला न्यूज में है तो ईयू वाले को ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये पीछे के बेसिक फैक्ट्स हैं जो आप याद कर सकते हो, अगर याद रहे तो, है ना। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें इसमें, तो हमें पता है कि जो ईयू है, ईयू इज अ 27 मेंबर ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन। पहले 28 हुआ करते थे, बट नाउ द ब्रिटेन हैज बीन एग्जिटेड बाय द यूरोपियन यूनियन, तो अब 27 मेंबर रह गए हैं इसमें। तो ये जो डील है 2007 में शुरू हुई थी, इस पे डिस्कशन होने, और आफ्टर 13 ईयर्स एक कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचे हैं कि इंडिया और ईयू आपस में मिलके इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, और ये फोकस किस पे करेगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट विल फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, फॉर स्पेसिफिकली जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसको इनोवेट करने की कोशिश करेंगे, उस पर पैसे लगाएंगे, ताकि जो रिसर्च है वो हम लोग कंडक्ट कर पाए। ठीक है, तो आपको हल्का सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आपको बस ये, अगर ये डील आपने पढ़नी है, तो इसका मतलब आपने पढ़ना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सिविल न्यूक्लियर डील। सिविल न्यूक्लियर डील का मतलब क्या होता है, कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम द मिलिट्री डील, और कैसे कैसे हम लोग यूरेनियम को यूज करते हैं, थोरियम को कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सी चीज फिजाइल मटेरियल होता है, कौन सा नॉन फिजाइल मटेरियल होता है। तो ये सब आपका बेसिक कंसेप्ट है जो आप साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं। करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से हम लोगों को इतना ही जानने की जरूरत है कि वट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस डील। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो दोनों कंट्रीज ने मिलकर साइन करी हैं, और अल्टीमेटली इससे क्या क्या हमें बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, बेनिफिट तो आप लोग सोच ही सकते हो। बेनिफिट क्या होगा कि भाई जो ईयू है, इट इज अ काइंड ऑफ डेवलप्ड कंट्री, कंट्री नहीं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, तो इनके पास टेक्नोलॉजी का लेवल वो भी ज्यादा है। इंडिया इज नाउ इन द डेवलपिंग फेज, तो इंडिया के पास हल्का सा कम एक्सपोजर है, कम एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी वाइज, तो ईयू की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये डील करंट पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अभी कौन सा रीसेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे इंडिया ने न्यूक्लियर डील साइन की है, तो दैट इज ईयू, यूरोपियन यूनियन। 27 मेंबर हैं इसमें, 28 पहले थे, ब्रिटेन अभी से निकल चुका है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक बेसिक कंसेप्ट इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट है हमारा रेवा सोलर प्रोजेक्ट। एक तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई एक तो रेवा सोलर प्रोजेक्ट है कहाँ, वेयर इट इज सिचुएटेड। नाम ही क्लियर है, रेवा ही जगह का नाम है, इट इज इन द रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, और इंडिया इंडिया में जो ये सोलर प्रोजेक्ट बनेगा, ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा, जिसको रिसेंटली अभी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। इसकी जो कैपेसिटी है, दैट इज 750 मेगावाट। देखो यार, ये इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी, क्योंकि रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, तो कैपेसिटी पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले प्रीवियस एग्जाम्स में। तो कैपेसिटी ध्यान रखना 750 मेगावाट है। आप इस फोटो में भी देख सकते हो कि भाई कितने ज्यादा नंबर ऑफ सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, और अल्टीमेटली इनसे कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 750 मेगावाट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑल द सोलर पावर सोलर पैनल्स टुगेदर। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, कि कैसी कैपेसिटी है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, ये आपको हल्का सा देखना है। और हम देखते हैं कि भाई टोटल तो 750 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, तो टोटल 750 में से थी तीन पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें हर एक की कैपेसिटी है 250 मेगावाट, 250 मेगावाट, है ना। इसका मतलब आपकी ये 3 यूनिट्स हैं अंडर दिस रेवा सोलर प्रोजेक्ट, जिसकी हर एक की कैपेसिटी 250 मेगावाट है, और टोटल मिलाकर ये 15 हेक्टेयर लैंड पर बसा हुआ है
इतनी ज्यादा अमाउंट है लैंड की भी और पावर पैनल्स की भी, इसी वजह से इसको एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट बोला गया है, ठीक है। और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, एक फंड है बेसिकली अंडर दी वर्ल्ड बैंक, इसमें से जो फंड में से पैसे निकलते हैं वो स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाते हैं कि उनके देश में क्लीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जा सके, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक तो हम लोग कोल का यूज करते हैं, तो कोल जो करता है एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज करता है, लेकिन जो आपका सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है ना, ये सब क्या है, ये आपकी क्लीन एनर्जीज है। मतलब एक तो ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होती है, जल्दी क्या खत्म कभी होंगे ही नहीं, सोलर एनर्जी में तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है दैट इज सन, तो सन तो हमेशा ही रहेगा, जब तक है तब तक हम, तो जब तक हम हैं तब तक तो एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा। तो क्योंकि ये क्लीन एनर्जीज भी हैं, ये कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं करती है, तो इस वजह से क्या होगा इंडिया में या और डेवलपिंग कंट्रीज में एक जो एयर की क्वालिटी है वो भी ढंग से बनी रहेगी, और इंडिया में जो रिन्यूएबल सोर्सेज है वो भी हम लोग यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो दोनों को ही फायदा है, एयर क्वालिटी बनी रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग रुकी रहेगी, है ना, क्योंकि एमिशन जब होता है इन पावर प्लांट्स में से तो CO2 निकलती है, मिथेन निकलती है, तो ये सारी की सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है ना। तो अल्टीमेटली जो है इंडिया में क्लीन एनर्जीज को प्रमोट करने के लिए ये इस फंड में से पैसे दिए गए, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ो तो ये इम्पोर्टेंट है कि इट विल रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाय 15 लाख मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। कहने का ये मतलब है अगर टोटल 750 मेगावाट ऑफ एनर्जी हम लोग थर्मल पावर प्लांट से लगाते हैं, जिसमें हम लोग कोयले का यूज करते हैं, अगर थर्मल पावर प्लांट से लगाते तो उस टाइम कम से कम 15 मिलियन टन ऑफ CO2 एटमोसफेयर में रिलीज होती, लेकिन क्योंकि अभी 750 मेगावाट सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर प्लांट के थ्रू जनरेट किया जाएगा, तो फिर ये जो 15 मिलियन टन ऑफ CO2 रिलीज होना था ये अब नहीं होगा ना। तो दैट इज अ काइंड ऑफ क्लीन इनिशिएटिव टू प्रमोट द गुड एयर क्वालिटी, टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, टू यूज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हमने एक बार डिस्कस ये भी किया था कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है कि इंडिया को कितना अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करना है, अचीव करना है टारगेट, दैट वाज 175 गीगावाट बाय 2022। मतलब इंडिया को 2022 तक आते आते जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ऑफ 175 गीगावाट, इनको रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करनी है, ठीक है, और 450 गीगावाट इन्हें जनरेट करनी है बाय 2030। तो दिस इज इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, 2022 तक 175 गीगावाट जनरेट करनी है और 2030 तक 450 गीगावाट जनरेट करनी है। पहले ये ना टारगेट 350 गीगावाट किया मतलब था गवर्नमेंट के द्वारा, बट रिसेंटली ही इसको 100 गीगावाट बढ़ाया गया है, क्योंकि इंडिया इस फील्ड में बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो इसलिए सरकारों को लग रहा है कि भाई हम लोग 350 से भी ज्यादा जो एनर्जी है सोलर और टोटल मिला के ये विंड इन सबको मिला के हम लोग जनरेट कर पाएंगे बाय द 2030, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन इस पे इस फैक्ट पर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको क्लियर है कि भाई किस तरीके से सोलर पावर प्लांट जो है वो बेनिफिशियल है, थर्मल पावर प्लांट का हम यूज नहीं करेंगे, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है रेवा पावर प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो इसको हल्का सा ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एवर इंडसैट एग्जाम हेल्ड अंडर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। देखो इसके रिगार्डिंग न्यूज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन जिसका पीछे का बेसिक कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंडसैट एग्जाम, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, इन दोनों प्रोग्राम्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि भाई ये जो इंडसैट एग्जाम है ये कौन कंडक्ट करता है, दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक बॉडी आती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो डिफरेंट कंट्रीज है ना, अगर हम इंडिया की बात करें तो श्रीलंका, इंडोनेशिया और अदर आपकी अफ्रीकन कंट्रीज में भी, कीनिया, सूडान, कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कंट्री में अच्छी फैसिलिटीज नहीं है एजुकेशन की, तो वो चाहते हैं कि वो इंडिया में आकर पढ़े,
तो इंडिया में आकर पढ़ने के लिए उनको क्या है, थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर उनके पास मान लो पैसे ना भी हो, तो इंडिया एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखता है कि भाई जिसको स्कॉलरशिप हम लोग देंगे, जो ये टेस्ट में पास हो जाएगा, उसको हम लोग फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम, जो एग्जाम का नाम क्या है, एग्जाम का नाम है इंड सैट। ठीक है, इंडिया में स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, इंडियन स्कॉलरस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020, पहली बार ये टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया गया था बाय द एनटीए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, अगर किसी कंट्री के बच्चे आकर पढ़ना चाहते हैं इंडिया में तो फिर दे आर मोस्ट वेलकम, बट उनको ये टेस्ट पास करना होगा अगर उनको स्कॉलरशिप चाहिए तो, अदरवाइज पैसे देकर तो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, है ना। तो हम देखते हैं कि व्हाट डू यू, ये तो हम लोगों ने देख लिया इंडसैट क्या है। अच्छा, इसमें एडमिशन किस किस में होगा? एडमिशन होगा आपका अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में, आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। तो अगर आपको इंडिया में आकर कोई डिग्री करनी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी है, तो आप इंडिया में इस एग्जाम को देकर आ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये स्कूल लेवल का एग्जाम नहीं है, इट इज नॉट ए स्कूल लेवल एग्जाम। तो ऐसे ऐसे ना फैक्ट आ जाता है पेपर में कि भाई बताओ कि जो इंडसैट एग्जाम है वो स्कूल लेवल एग्जाम है या नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी एप्लीकेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट लिया जाता है इंडसैट। व्हाट इज द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंडर ही क्या है, हम लोग इंडसैट एग्जाम लेते हैं। ठीक है, टोटल इंडिया में हम लोगों ने 116 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट किया हुआ है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंडर हम लोग इन लोगों को स्कॉलरशिप के चलते एडमिशन दिलवाते हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि जो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है, इट इज ओपन टू ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, है ना, तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये सिर्फ और सिर्फ 116 हम लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हैं कि एडमिशन आप इन्हीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ले सकते हो, अगर वो लिस्टेड नहीं है तो फिर आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं, तो आपने ध्यान में रखना है 116 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। चलो नेक्स्ट है आपका, रशिया सक्सेसफुली कंडक्ट ट्रायल फॉर द 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री जिसने सबसे पहली बार 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन को बनाया है। ठीक है, तो उसका नाम हम लोगों को पता है, दैट इज रशिया। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इसका हम इन लोगों ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, बट हमारे लिए काम की चीज क्या है, हमारे लिए काम की चीज है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द 3D प्रिंटिंग। आपको नॉर्मल प्रिंटिंग तो पता है कि भाई पेपर पे प्रिंट करना, टेक्स्ट को प्रिंट करना फ्रॉम द डॉक और फ्रॉम द PDF। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, बेसिकली दिस इज अ 3D प्रिंटिंग, है ना, जहां पर आप 3D जो ऑब्जेक्ट है उसको बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस 3D प्रिंटर, है ना। ये तो बेसिकली एक आपकी मूर्ति टाइप सी है, ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसे ही आप कोई भी आप बोलो ये जो एयरक्राफ्ट इंजन बनाया है वो भी इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया है इन लोगों ने यूजिंग द 3D प्रिंटर्स। ठीक है, तो इससे क्या है, चीजें थोड़ी सी हल्की सी फास्ट मेकिंग जो है चीजों की वो हो जाती है, तो चीजों को बनाने के लिए जो डिले होता है दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूजिंग ऑफ 3D प्रिंटर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजीज कुछ यूज होती हैं जिसकी वजह से इनको पता होता है कि भाई कौन सा जो मटेरियल है वो कहाँ पर लगना है और कौन सी चीज कैसे यूज होनी है, क्या अभी वायर आएगा, क्या अभी कोई हॉलो स्पेस है, खाली जगह है। तो ये बेसिकली अ काइंड ऑफ वेरी रेवोल्यूशनरी जो प्रोजेक्ट है वो है। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि भाई अभी नहीं, बहुत लेवल पर यूज होता नहीं है, क्योंकि 3D प्रिंटर्स को बनाने के लिए और 3D प्रिंटिंग करने के लिए अभी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत कम कंट्रीज के पास में है, जिसकी वजह से वो लोग कमर्शियल लेवल पर इसको यूज कर सके। एक्सपेरिमेंटल तौर पर तो सभी कंट्रीज कर चुकी हैं ऑलरेडी, बट इसको यूज इस तरीके से करना कि इसको हम बार बार किसी चीज को बनाने के लिए यूज करते रहे, है ना, तो वो बहुत कम कंट्रीज के पास में है, तो इट इज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडिया। तो आपको ये चीज हल्की सी पता लग गई। और अगर हम देखें कि व्हाट इज 3D प्रिंटिंग, जैसे हम लोगों ने वो चीज बनाई थी वैसे ही हम लोग देखो एफएल टावर बना रहे हैं, मतलब एफएल टावर तो नहीं बना रहे, उसकी प्रोटोटाइप बना रहे हैं उसके जैसा, है ना। तो कोई भी चीज है, कोई टॉय है, कोई मशीन है, कोई भी चीज है, बॉटल्स है, ये सब चीजें बना सकते हैं हम लोग यूजिंग द 3D प्रिंटर्स।
ठीक है, तो इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल 3D मॉडल फ्रॉम अ डिजिटल 3D प्रिंटर। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है, और आपने ध्यान में रखना है कि भाई इसमें कई सारी प्रोसेसेस यूज की जाती हैं, जिसकी वजह से कोई चीजें सॉलिडिफाई की जाती हैं, किसी चीजों को आपस में ज्वाइन किया जाता है, किसी चीज को नए सिरे से बनाया जाता है ना। तो जो भी चीजें चाहिए हैं बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी चाहिए है, दैट इज एम्बेडेड अंडर दिस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उसमें कोई आपको मशीन बनानी है, चाहे मेडिकल हो, मेडिकल एरिया में अगर आपको कोई और कोई मशीन की हेल्प से कोई चीज बनानी हो, इंडस्ट्रीज में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, सोशो कल्चरल सेक्टर में आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। यूज तो देखो अभी बहुत जगह होती है, बट कमर्शियल लेवल पर नहीं होती है। इट इज नॉट यूज्ड इन नॉट यूज्ड ऑन द कमर्शियल लेवल, मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पर अभी यूज नहीं है। इट इज नाउ इन द एक्सपेरिमेंटल फेज, तो अभी पूरी कंट्रीज में अच्छी तरीके से ये आई नहीं है। जब ये आ जाएगी तो डेवलपिंग कंट्रीज भी इसको बनाना शुरू कर देंगी, इसकी हेल्प से जो मशीन्स हैं वो बनाना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द 3D प्रिंटिंग। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना इज कॉल्ड द 3D प्रिंटिंग। किससे प्रिंट करेंगे? 3D प्रिंटर से बनाएंगे। तो हम लोग एनिमेशन और ये पिक्चर आप लोग देख ही चुके हैं, इससे हल्का सा आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3D प्रिंटिंग, और पहली बार ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने 3D प्रिंटिंग की हेल्प से एयरक्राफ्ट इंजन बनाया है, मतलब एक ऐसा इंजन जो एयरक्राफ्ट में यूज होगा, दैट कंट्री इज रशिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एनासिस 2। आपको ध्यान में रखना है, एक तो ये आपकी सैटेलाइट है, इट इज अ सैटेलाइट। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? कंट्री है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने पहली बार अपने देश के लिए मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट एनएसएस 2 को लॉन्च किया है। देखो, एक तो होती नॉर्मल सैटेलाइट्स जो आपकी कम्युनिकेशन होती हैं, जैसे हम फोन पे मैसेज भेजते हैं, किसी और को रिसीव होता है, तो दैट इज थ्रू द सैटेलाइट कनेक्शन। अगर हम सिर्फ मिलिट्री की कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री, नेवी वाला एयरफोर्स वाले से बात कर रहा है, एयरफोर्स वाला आर्मी वाले से बात कर रहा है, तो ताकि वो जो कन्वर्सेशन है वो हैक ना हो जाए, है ना, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए, इसलिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट चाहिए होती है हर एक कंट्री को, जिसमें वो लोग मिलिट्री के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने स्पेसिफिकली एनएसएस 2 जो है, इट इज अ मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द साउथ कोरिया। और इसने की क्यों है? अगर आप देखो तो ये साउथ कोरिया है और ये आपका नॉर्थ कोरिया है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है ना, और नॉर्थ कोरिया के तो हर कंट्री के साथ में ही है, चाहे चाहे यूएसए हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, इसके पंगे हर किसी चलते ही रहते हैं। तो स्पेसिफिकली साउथ कोरिया को ये डर है कि भाई नॉर्थ कोरिया बिल्कुल मेरे साथ में लगती हुई कंट्री है, अगर साउथ कोरिया ने कभी हमारे ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च कर दी, कोई न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया, तो ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि नॉर्थ कोरिया हमारे सिस्टम्स को हैक कर ले, हम लोग आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए और ये अल्टीमेटली मिसाइल लॉन्च कर दे हम पे, है ना। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए साउथ कोरिया ने पहले ही प्रिवेंशन लेते हुए ये एनएसएस 2 सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो इट इज टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म्ड नॉर्थ कोरिया। और क्योंकि इसको साउथ कोरिया को खतरा भी है कि भाई नॉर्थ कोरिया के पास ना न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और डराता रहता सभी कंट्रीज को। एक बार तो उसने ये भी कहा था कि मेरे पास सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, मेरे पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी है। तो अगर आप बात करो हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन की, तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर, आप कह लो मोर इफेक्टिव, मोर डिजास्ट्रस देन द न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये सब डराता रहता सभी कंट्रीज को, पता नहीं इसके पास है या नहीं है, बट ये बोलता तो है ही, तो हम रिस्क नहीं लेते। इसलिए साउथ कोरिया ने पहले ही अपने कम्युनिकेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। ठीक है, और अगर हम देखें कि साउथ कोरिया हैज बिकम द 10th कंट्री, इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहली 9 कंट्रीज कौन थी, बट नाउ साउथ कोरिया इज ऑल्सो अंडर द लिस्ट जिसमें सभी कंट्रीज अपने लिए अलग अलग मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करती हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क टाइप सा है, आप ना इंडिया के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट कौटिल्य देखना कि भाई क्या चीज है। इसके अंदर इंडिया ने भी अपनी मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है बेसिकली और क्या उसके फंक्शन है, नेम ऑफ सैटेलाइट एंड फंक्शन ऑफ सैटेलाइट। सिमिलर फंक्शन होंगे वैसे तो, बट एक बार इसको चेक जरूर करना। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव तो देख ही लिए हैं,
और इससे होगा क्या, जितने भी आपकी साउथ कोरिया की कैपेबिलिटीज है दैट विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका नासाज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टू बी लॉन्च इन अक्टूबर 2021। पहले इसको मार्च 2021 में लॉन्च होना था बट अब इसको डिले कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई ये व्हाट इज द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और इसकी जगह पहले कौन था। ठीक है, देखो नाम से ही क्लियर है, इट इज द स्पेस टेलीस्कोप, मतलब एक ऐसा टेलीस्कोप जो कहां पर होगा, इट विल बी इन द स्पेस। टेलीस्कोप आपके दो तरीके के हो सकते हैं, या तो टेलीस्कोप आपका ग्राउंड पर हो मतलब अर्थ पर हो, या फिर वो आपका स्पेस में हो। तो ग्राउंड पर से जो है स्पेस की एक्टिविटीज को मेजर करना हल्का सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कभी बादल आ रहे हैं बीच में, कभी बारिश हो रही है, कभी एटमोसफियर अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो इसलिए चीजों को देख पाना हल्का सा मुश्किल होता है। इसीलिए अगर हम प्लैनेट्स को, एस्ट्रॉइड्स को, स्टार्स को, इनको जो स्पेस में प्रेजेंट हैं चीजें, उनको अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग स्पेस में भी टेलीस्कोप जो है इंस्टॉल करते हैं। तो नासा जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये क्या है, इसका स्पेस टेलीस्कोप है, अ काइंड ऑफ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। इट इज अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो स्पेस में रह के चीजों को ऑब्जर्व करेगा। किसको ऑब्जर्व करेगा, एस्ट्रॉइड्स को ऑब्जर्व करेगा, आपके प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करेगा, आपके स्टार्स खास करके सन इसको ऑब्जर्व करेगा, है ना। तो थोड़ा पास से देखेगा तो चीजें हल्की सी ज्यादा क्लियर होती है। तो ये रिन्यूज में इसलिए था कि भाई इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है इसकी इंस्टॉलमेंट को, बट आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द जेम्स वेब टेलीस्कोप। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इट इज द टेलीस्कोप जो आपका धरती पर है। हम लोगों ने पहले किया था कई सारे टेलीस्कोप, हम लोग वो कर चुके हैं जो आपका 30 डायामीटर टेलीस्कोप था, वो हमने किया था जो आपका साउथ अमेरिका में सिचुएटेड था, साउथ अमेरिका में हवाई वाले एरिया में 30 मीटर डायामीटर टेलीस्कोप ये हमने किया था। एक हम लोगों ने लद्दाख में एक चंद्रा टेलीस्कोप था उसको किया था, है ना। तो एक बार इन दोनों को भी रिवाइज करना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी टेलीस्कोप आपने देखना है कि ग्राउंड पर है या फिर स्पेस में है, तो ये जो दो है 30 मीटर डायमीटर टेलीस्कोप, ये आपका और चंद्रा इन द लद्दाख रीजन, ये सब आपके ग्राउंड टेलीस्कोप है, और ये जो जेम्स वेब है ये आपका स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है, चलो। और ये है किसका, इट इज ऑफ द नासा। तो ये इस तरीके का दिखता है कुछ, ये टेलीस्कोप सा है, इसको ये लोग स्पेस में भेजेंगे और ये अर्थ के अराउंड इस तरीके से घूमता रहेगा और चीजों को ऑब्जर्व करता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली इट इज इन दी ऑर्बिट में घूमेगा, ये ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो अर्थ के अराउंड घूमता रहेगा। और अल्टीमेटली इसमें आपने एक भी चीज ध्यान में रखनी है कि इट हैज द 5-layer सन शील्ड। सन शील्ड का बेसिकली मतलब है कि ये सन को थोड़ा सा और ज्यादा पास जाकर देख सकता है। मतलब सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये सन है आपका, सन तो हमेशा यही रहेगा, जो अर्थ है वो इस तरीके से सन के अराउंड घूमती रहती है। तो मान लो कभी यहाँ पर ये टेलीस्कोप है जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो यहाँ पर ये सिचुएटेड है, इसका मतलब ये सन को थोड़ा सा और पास तरीके से देख पाएगा, है ना। तो बट जो सन की जो हीट है उससे ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके पास सन शील्ड लगी हुई है, सन की हीट से इसकी इफेक्टिवनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्बिट में एक बार जाएगा, अर्थ के अराउंड घूमेगा, और ये सन शील्ड इसके पे लगी हुई है, तो सन की हीट भी इसको कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसका बेसिक मकसद क्या है, देखो कोई भी, चाहे टेलीस्कोप हो, चाहे कोई मिशन हो, चाहे वो किसी प्लैनेट को स्टडी कर रहा हो, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना हमारा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें देखना है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, हम लोग आए कहाँ से हैं, व्हाट आर आवर ओरिजिन, है ना। तो ये बेसिक जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ही सब चीजें भेज रहे हैं, कभी किसी प्लैनेट को स्टडी कर रहे हैं, कभी किसी एस्ट्रॉइड को स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग इसी वजह से ही कर रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है जेम्स वेब टेलीस्कोप किस ऑर्गेनाइजेशन का है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, और आपने ध्यान में रखना है जब इसको लॉन्च करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे जब ऑर्बिट में चला जाएगा तो फिर ये थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को एक्सपैंड करेगा,
जिसका साइज कितना हो सकता है, साइज इज ऑलमोस्ट द टेनिस कोर्ट जो होता है जहाँ पर लॉन टेनिस वगैरह खेलते हैं, उतना इसका जो है साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैमरास लगे हुए हैं। कैमरास क्या करेंगे, दे विल डिटेक्ट दी फार अवे स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ये भी हो सकता है ना, हम नॉर्मली जो है अपने आसपास मार्स, वीनस और सन को तो देख ही सकते हैं, साथ में टेलीस्कोप ये भी देख सकता है कि जितने दूर सिचुएटेड स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनसे आने वाली जो लाइट है, क्योंकि हमें पता है कि एवरी ऑब्जेक्ट रेडिएट सम काइंड ऑफ लाइट, किसी से विजिबल लाइट निकल रही है, जैसे सन है हमारा, सन से विजिबल लाइट भी निकल रही है, इससे अल्ट्रावायलेट लाइट भी निकल रही है, इससे इंफ्रारेड लाइट भी निकल रही है। तो अगर मान लो कोई और स्टार है कहीं पर जिससे आपकी सिर्फ गामा रेज निकल रही है, गामा लाइट निकल रही है ना, गामा लाइट की बजाय हम ले लेते हैं कि भाई विजिबल लाइट है, कोई भी लाइट है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट, ये टेलीस्कोप बता सकता है कि भाई वो स्टार या गैलेक्सी कितनी दूर है ना। तो इस वजह से आपको पता लग जाएगा कि कितना हमारे अराउंड और गैलेक्सीज हैं जहां पर अमाउंट ऑफ रेडिएशंस कितने टाइप की है, क्या रेडिएशन के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर जो लाइफ है वो पॉसिबल है भी या नहीं है, या सिर्फ पूरे यूनिवर्स में अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहां पर आपकी लाइफ पॉसिबल है। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम लोगों ने इसको स्पेस में जो है पुट किया है बाय द नासा, हमने नहीं, नासा ने किया है। ठीक है, चल नेक्स्ट आपका नियोवाइज। पेपर में स्टेटमेंट आती है कि रिसेंटली नियोवाइज न्यूज में था, ये क्या है, ये कोई एस्ट्रॉइड है, ये कोई कॉमेट है, या फिर ये कोई प्लैनेट है। तो आपने ध्यान में रखना है जो नियोवाइज है इट इज अ काइंड ऑफ रेयर कॉमेट। रेयर कॉमेट इस तरीके का दिखता है ये, जब नीचे की जैसे ये जो है अर्थ से निकलता है, सन के पास जब ये पहुंचता है तो सन की लाइट की वजह से इसमें जो है आइसी ऑब्जेक्ट्स हल्के हल्के मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं, है ना। अगर हम कॉमेट की बात करें, कॉमेट किस चीज से बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द आइसी ऑब्जेक्ट्स, आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं, और जब ये सन के पास से गुजरते हैं, है ना, अदरवाइज ये सन से बहुत दूर होते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये अर्थ है, तो जब ये सन के पास से गुजरते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, जितना भी आइसी ऑब्जेक्ट होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब मेल्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या है इसकी, नहीं कि हमें टेल सी नजर आती है, देखो दिस इज द टेल, टेल ऑफ दिस कॉमेट, क्योंकि ये चीजें मेल्ट होके ये पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है, इट इज दिस इज कॉल्ड द डी आइसिंग, डी गैसिंग भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जब सन के पास होते हैं तब जाके इनकी टेल हमें नजर आती है, अदरवाइज हम इनको देख नहीं पाते हैं। अगर ये सन से दूर हैं तो ये सन की लाइट से ही हम लोगों को दिखते हैं, अदरवाइज हमें ये नहीं दिखते। तो आपने ध्यान में रखना है नियोवाइज एक कॉमेट था जो रिसेंटली अभी देखा गया था। अगर इसका पूरा नाम देखें तो दैट इज नियर अर्थ वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। ठीक है, ये बेसिकली इसके द्वारा देखा गया था, इसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है ना, एक्सप्लोरर ना, सर्वे एक्सप्लोरर, इसका काम ही बेसिकली ये है कि चीजों को ये देखे कि क्या वहां पर कॉमेट जा रहा है, कोई एस्ट्रॉयड आने वाला है, कितना दूर एस्ट्रॉयड है अर्थ से टकराने से पहले। ठीक है, तो ये सब चीजें डिस्कवर करता है ये नियोवाइज। तो रिसेंटली ही इसने नियोवाइज को एक कॉमेट को इंडियन स्काइज में, है ना, मतलब पूरी धरती पे तो अलग अलग जगहों पे दिखता है ना ये, तो इंडिया में बेसिकली इसको देखा गया था। ठीक है, तो नियोवाइज क्या है, क्यों इसकी टेल बनती है, और ये कब हमें दिखता है, जब ये सन के पास होता है, जब ये सन के अराउंड जा रहा होता है, क्योंकि अदरवाइज क्या है, तो कॉमेट जो है, कॉमेट भी आपका बेसिकली ऐसे ही सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं ना, दिस इज कॉमेट, यहाँ पर ये कॉमेट, ये भी कॉमेट, एक ही कॉमेट है ये, तो ये भी सन के अराउंड ही वो कर रहे हैं आपका, ऑर्बिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये सन के हल्का सा पास आता है तब जाके इसकी डी गैसिंग होनी शुरू होती है और हमें दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको हल्का सा आप ध्यान रख लेना कि नियोवाइज इज अ काइंड ऑफ रेयर कॉमेट जिसका नाम किसके बेसिस पर पड़ा है, एक्सप्लोरर के बेसिस पर ही पड़ा है जिसने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन दी जुलाई 11th। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जो है वो सेलिब्रेट करता है, और खास करके ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जा सके, ताकि जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो गैप है बिटवीन द रिसोर्सेज प्रेजेंट, रिसोर्सेज की सप्लाई
और रिसोर्सेज की डिमांड में जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डिमांड करने वाले लोग ज्यादा हैं बट सप्लाई कम है, तो इससे जो डिस्टरबेंस है वो क्रिएट होती है इन द रिसोर्सेज एंड इन द एटमोसफियर एज वेल। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रमोट करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाता है 11th of July को। इस बार की जो थीम है, इस बार की थीम है बेसिकली हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ, हेल्थ है ये बेसिकली, हेल्थ एंड राइट्स ऑफ विमेन्स एंड गर्ल्स नाउ एमिड द पेंडेमिक। कोरोना के लॉकडाउन के आने की वजह से किस तरीके से विमेन और जो गर्ल्स हैं उनकी हेल्थ और राइट्स पर इम्पैक्ट पड़ा है, उनको हम लोग कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं, दैट इज द थीम, है ना। और ये ऐसा क्यों है, इसलिए है क्योंकि भाई अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये हम रिपोर्ट हमने पहले क्लासेस में करी है, करंट अफेयर वाली क्लासेस में, विच इज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन पॉपुलेशन फंड FPA, ये बेसिकली रिलीज करता है और ये बताता है कि भाई पूरे वर्ल्ड में कम से कम 4 मिलियन गर्ल्स ऐसी हैं, मतलब 40 लाख गर्ल्स ऐसी हैं विच आर सब्जेक्टेड टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी म्यूटिलेशन इज काइंड ऑफ फेमस इन दी सम काइंड ऑफ कम्युनिटीज, है ना। तो बेसिकली उनमें जो म्यूटिलेशन है ऑफ दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जेनेटिक्स वो सब देखने को मिलती है जो कि उनके राइट्स खास करके रिप्रोडक्टिव राइट्स को हैम्पर करती है ना। तो इस वजह से हमें स्पेसिफिक ध्यान देना है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी कम्युनिटी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को ना प्रमोट करे, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट, है ना। और ये भी इसको थीम इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जो कोरोना है उसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है फिजिकली हो चाहे इमोशनली हो, दैट हैज बीन ऑन द वुमेन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो इसीलिए इनको प्रमोट करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए इस थीम को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पर चूज किया गया है। ठीक है, तो डे ध्यान में रख लेना, कौन मनाता है ध्यान में रख लेना, क्या थीम है ये देख लेना, है ना, और बेसिकली इसको ही क्यों चुना गया है ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन। ठीक है, तो ये सब चीजें एक बार ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रायोस्टैट फॉर द ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट। ध्यान रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं, फिजन की बात नहीं कर रहे हैं। अब डिफरेंस देखेंगे बेसिकली दोनों में है क्या। न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो आपका ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है, ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोजेक्ट है, ये 7 कंट्रीज की हेल्प से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसको जो है इंडिया में थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो पहली बार जो है इसका इस प्रोजेक्ट के अंदर DAE के थ्रू जो LNT है, लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है हमारी, उसने पहली बार सबसे ज्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रायोस्टैट जो है इस रिएक्टर इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। जो क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर, ठीक है, तो लो टेम्प एक ऐसा वेसल, एक ऐसी चीज, देखो इस तरीके से आपको देखना है, ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो व्हाट इज द क्रायोस्टैट एंड व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट। ठीक है, पहले देख लेते 7 कंट्रीज कौन कौन सी है, ध्यान में रखना इंडिया इज वन ऑफ द 7 कंट्रीज विच इज कोलैबोरेटिंग इन द ITER। इसके अलावा आपका जापान, चाइना, US, साउथ कोरिया एंड रशिया एंड यूरोपियन यूनियन एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन। ये है कहाँ पर, ये फ्रांस में है, लेकिन फ्रांस इसको फंड नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 7 कंट्रीज आपने ध्यान रखनी है, खास करके इंडिया इज द मेंबर ऑफ ITER, ये तो ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, जो ITER है वो बेसिकली है क्या, इट इज इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बना सकते हैं थ्रू द फिजन रिएक्शन एंड थ्रू द फ्यूजन रिएक्शन। हल्का सा फर्क इतना है कि फ्यूजन रिएक्शन में जो है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ हीट,
जितनी ज्यादा हीट निकलेगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। और फ्यूजन में क्या है, अगर हीट कम है एज कम्पेयर टू द फ्यूजन रिएक्शन, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपकी कम बनेगी। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हम लोग फ्यूजन रिएक्शन बनाए जिसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो पूरी की पूरी हमारी फुलफिल हो जाए। बट खतरा ये है कि जो फ्यूजन रिएक्शन है इसके लिए आपको फिर भी थोड़ा सा टेम्परेचर देखो हाई तो चाहिए होता है, बट इतना नहीं चाहिए होता जितना फ्यूजन में चाहिए होता है। फ्यूजन में इट रिक्वायर्स, फ्यूजन रिएक्शन अगर आपने करनी है तो इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पहले क्रिएट करना पड़ता है तभी जो है फ्यूजन रिएक्शन हो पाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है एक जो एटम है वो दो एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब टूट रहा है। तो जब ये टूटेगा तो साथ में एनर्जी भी रिलीज करेगा, ठीक है। तो फ्यूजन में एक से दो बनते हैं, और जो फ्यूजन है, फ्यूजन का मतलब होता है ना कि आपका फ्यूज हो जाना, आपस में मिल जाना। तो वहां पर जो जो दो एटम्स हैं वो आपस में मिलकर एक एटम बना लेते हैं, दैट इज द फ्यूजन रिएक्शन। जैसे हम लोग अगर मान लो किसी पतीले में चीनी डाल दें तो जो शुगर और पानी, पानी मतलब वाटर, ये इसको अगर हमें मिलाना है तो या तो हम इसको स्टर कर सकते हैं, हिला सकते हैं इसके विद चम्मच, या फिर हम इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें फ्यूजन करवाना है किन्हीं भी दो चीजों का तो हमें टेम्परेचर तो हाई रखना पड़ता है। तो इसीलिए अगर हमें दो एटम्स का फ्यूजन करवाना है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को बहुत हाई रखना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, बिकॉज इतना टेम्परेचर जनरेट कर पाना मुश्किल था फ्यूजन के लिए। बट रिसेंटली अभी सभी कंट्रीज ने मिलकर देखा है कि भाई क्यों ना फ्यूजन की जगह फ्यूजन किया जाए, तो उस पर ही सबका काम चल रहा है। तो ये 1998 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और मतलब इस पर रिसर्च चल रही है, और जो स्टार्ट है, स्टार्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम 2035। तो जो फ्यूजन रिएक्शन शुरू होएगी इस रिएक्टर में वो 2035 तक शुरू होने के चांसेस हैं। उससे पहले लोग सब कुछ बना रहे हैं, रिएक्टर बना रहे हैं, क्रायोस्टेट बना रहे हैं, ठीक है, वे सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्टर जिसमें क्या होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन विल अकर, फ्यूजन रिएक्शन होगी, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो उस एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस किस किस को फ्यूज करेंगे हम लोग, फ्यूजन विल बी ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, बोथ आर द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा, बेसिकली हम चाह रहे हैं कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को हम लोग फ्यूज कर दें, उससे क्या बनेगा आपका हीलियम, एक हीलियम बनेगा और साथ में एक न्यूट्रॉन बनेगा, और साथ में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को इजिली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है फ्यूजन का मतलब होता है दो चीजों को मिलाना, फ्यूजन का मतलब होता है दो चीजों को अलग कर देना। तो अगर हम इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में फ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो फ्यूजन का मतलब होता है हम खास करके जो है यूरेनियम 235 को यूज करते हैं, उसके साथ हम लोग एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं, उससे टकरवाते हैं, उससे क्या निकलता है आपका क्रिप्टॉन निकलता है, साथ में आपका बेरियम निकलता है, और साथ में तीन न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं, और साथ में एनर्जी निकलती है। तो तीन न्यूट्रॉन्स जो बने हैं वो दोबारा से तीन टाइम इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तीन करेंगे तो उससे नौ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, जब नौ टकराएंगे तो उससे आपके 27 निकलेंगे, 27 टकराएंगे तो 81 निकलेंगे। तो इस तरीके से जो है वो रिएक्शन चलती रहेगी, है ना। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था फिजाइल मटेरियल है, इसका मतलब यही है कि जो 235 है इट कैन सस्टेन द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, तो चेन सी बन जाएगी इनकी टोटल, ठीक है। तो बस आपने करना क्या है, एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाना है विद 235, ठीक है। इससे एक एक जो एटम है 35 को किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रिप्टॉन और बेरियम में, और तीन न्यूट्रॉन्स में, तो अल्टीमेटली चीज चलती चली जाएगी। तो ये तो है आपकी फ्यूजन रिएक्शन और ये है आपकी फ्यूजन रिएक्शन। तो अगर आपको ये फ्यूज करवाना है तो यू नीड वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इसमें भी चाहिए, फ्यूजन में भी चाहिए टेम्परेचर, बट इतना नहीं जितना फ्यूजन में चाहिए। तो हल्का सा ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं व्हाट इज द क्रायोस्टैट। हमने देखा क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर, ये ना एक ऐसा चैम्बर है विच विल एक्ट एज अ सेफ्टी बैरियर, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के टाइम पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है, तो क्रायोस्टैट इसके आसपास लगाया जाता है ताकि जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई ना चला जाए,
तो इट इज अ काइंड ऑफ सेफ्टी बैरियर, मतलब जब तक फ्यूजन रिएक्शन चल रही है अच्छी बात है, तब तक ये काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इनको लगता है कि भाई अब तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, तब जाकर ये लोग क्रायोस्टेट को ऑन कर देंगे, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो हल्का सा डाउन आ जाएगा और जो चीजें हैं वो काबू में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिया ने बनाया है। देखो प्रोजेक्ट जो है आपका ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट, इसमें कई सारे इक्विपमेंट्स हैं, कहीं क्रायोस्टेट चाहिए है, कहीं पर ड्यूटीरियम और ट्रिटियम बनाने हैं, कहीं पर न्यूट्रॉन बनाने हैं, तो हजार चीजें हैं। तो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। तो इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रायोस्टेट बनाने की सौंपी गई थी, जिसको इंडिया ने फुलफिल कर दिया है थ्रू द कंपनी ऑफ LNT अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की रेगुलेशन। ठीक, कैसे बनेगा, कितना ज्यादा अमाउंट लगेगा, वो सब DE डिसाइड करता है। तो इंडिया ने क्रायोसेट बना के दे दिया है, जो पूरे वर्ल्ड का अभी तक का लार्जेस्ट क्रायोस्टैट बन चुका है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका डिटेल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ इन स्पेस रिलीज्ड। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय द इन स्पेस। ये एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंटली जो इसरो है उसने लॉन्च करी है। इसका मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। ये आपको डेफिनेशन तो ध्यान में रखनी है, साथ में इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि छोटे पेपरों में फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन आते हैं, और हमारे को पता है कि जो सरकार है वो हमारे साथ खेल रही है बेसिकली, इतनी ज्यादा एब्रीवेशन देने के कारण। तो बस आपने थोड़ा सा उसको टैकल करना है कि जो इन स्पेस, दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन। इसका जो स्पेसिफिक काम है ना, स्पेसिफिक काम ये है कि जितना भी अभी अल्टीमेटली क्या है, इसरो सब कुछ करता है, इसरो ही लॉन्च व्हीकल बनाता है, इसरो ही सैटेलाइट बनाता है, इसरो ही लॉन्च करता है उसको, तो सारा काम जो इसरो करता है, इसरो इज अ काइंड ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस पर क्या है, बर्डन बहुत ज्यादा है, सब कुछ ही खुद ही अकेला कर रहा है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन लोगों ने कोलैबोरेशन में यूज किया है। जैसे लॉन्च व्हीकल्स बनाने के लिए आपने कोई टेंडर दे दिया किसी और प्राइवेट कंपनी को कि ये लॉन्च व्हीकल बना लेगा, अल्टीमेट सेटेलाइट हम लोग बना लेंगे और उसको लॉन्च कर देंगे, तो इससे जो चीजें होंगी ना वो हल्की सी डिले कम होंगी लॉन्च करने के लिए। तो दैट इज अ काइंड ऑफ कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर एंड इसरो, दैट इज द पब्लिक सेक्टर। तो उसकी रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशन है, जो भी मॉनिटरिंग है, दैट वुड बी डन बाय द इन स्पेस, है ना। अगर मान लो कोई कंपनी है जिसको ये देखना है कि मुझे टेंडर चाहिए, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कि भाई मैं ये लॉन्च व्हीकल बनाऊं, तो जो ऑक्शंस है वो इन स्पेस कंडक्ट करेगी, किसी भी टेंडर को जो एलोकेशन है वो इन स्पेस करेगी, वो ये देखेगी कि भाई जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सब जो चीजें हैं बेसिकली रेगुलेशन मॉनिटरिंग वाले, वो इन स्पेस करेगी स्पेसिफिकली फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जो इन स्पेस है इट हैज दिस सिंगल विंडो एजेंसी, जिसके कारण जितने प्राइवेट सेक्टर हैं वो परमिट, और जो बेसिकली परमिट ले सकते हैं टू बिल्ड द लॉन्च व्हीकल और टू बिल्ड द सैटेलाइट्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको परमिशन चाहिए है कि भाई मैं लॉन्च व्हीकल बनाना चाहता हूँ, तो परमिशन आपको कहाँ से मिलेगी, परमिशन आपको मिलेगी इन स्पेस से। ठीक है, और जो भी सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर इनको प्रोवाइड करेगा, मतलब पूरी इंडिया कंट्री को प्रोवाइड कर रहा है, उसकी जो मॉनिटरिंग है वो भी इन स्पेस ही कर रहा है। ठीक है, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं विल आल्सो बी गिवन टेक्नोलॉजी चैलेंजेस। मतलब अगर मान लो हम लोग अभी चाहते हैं कि जैसे गगनयान मिशन है इंडिया में, गगनयान मिशन कौन सा है जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो पर्सन है वो स्पेस में 3-4 दिन के लिए रह पाए या फिर 7-8 दिन के लिए रह पाए, तो उनको धरती से लॉन्च करना, पूरा स्पेस में 3-4 दिन के लिए रोके रखना, वहां पर उनको सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी, तो ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ मतलब कह लो कि बहुत स्पेसिफिक चीजें चाहिए इसके लिए। तो ऐसी चीजों में जो नई टेक्नोलॉजीज की एडवांसमेंट है उसके रिगार्डिंग भी प्राइवेट सेक्टर को चैलेंज दिए जा सकते हैं कि भाई आप लोग बताओ कि किस तरीके से गगनयान मिशन के अंडर या किसी और मिशन के अंडर हम कैसे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में कुछ ऐसे प्रपोजल्स होंगे जिनके लिए गवर्नमेंट भी फंड कर देगी, मतलब चैलेंज दिया है, उसके लिए रिसर्च करनी है, उसके लिए पैसे जो होंगे वो आधे सरकार दे देगी, आधे प्राइवेट सेक्टर वाले दे देंगे, है ना। तो बेसिकली जो क्रक्स है, क्रक्स क्या है, क्रक्स इज बेसिकली टू प्रमोट द
to promote the function of private sector into the Indian space organization, into the Indian space sector. तो अभी क्योंकि ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास है, इसरो के पास सब कुछ यही करता है, तो अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा तो अपने साथ में ये टेक्नोलॉजी भी लेकर आएगा, साथ में ये एफिशिएंसी भी लेकर आएगा, और साथ में ये जो डिले है चीजों को लॉन्च करने के लिए जो होती है उसको भी ये कम कर देगा. ठीक है, तो ऐसा हम सोच रहे हैं. और ये सब जो चीजें हैं कि भाई टेक्नोलॉजी अच्छी लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो परमिशन है कि आप ये लॉन्च व्हीकल बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, तो ये सब जो मॉनिटरिंग है दैट वुड बी डन बाय द इन स्पेस. ठीक है, तो जितना भी अभी रिसेंटली जुलाई वाले मंथ में इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर और एक्टिविटी इन स्पेस को रिलीज किया गया था कि भाई ये आपके फंक्शन है और इस तरीके से आपने इनको निभाना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर द कमर्शियल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय एनजीटी. पहली बात तो जो एनजीटी है वो क्या है, एनजीटी इज अ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ये एक ऐसा कोर्ट है जो स्पेसिफिकली एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस को सुनता है. इट हियर द एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस, ताकि एनवायरमेंट को बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर में जो है डिले ना हो जाए और चीजें बिगड़ ना जाए, इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अलग से बना दिया गया है कि भाई आप अलग से केसेस सुनो इनके रिगार्डिंग. ठीक है, तो अभी पिछले ही टाइम पे क्या था, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है इंडिया में, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो कि निकालती है गाइडलाइंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर कहाँ यूज होता है, फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस यूज होता है, जो एग्रीकल्चर है उसमें ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए जाते हैं वो भी आपका ग्राउंड वाटर को ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज वाले यूज कर लेते हैं ग्राउंड वाटर को फॉर देयर वाटर नीड्स. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो किस तरीके से यूज की जाए कि भाई ग्राउंड वाटर डिप्लीट ना हो, कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे नहीं जाए, है ना, तो वो बना के रखना है हमें बेसिकली. तो कुछ गाइडलाइंस CGWA ने रिलीज करी थी जिन पर जितनी भी गाइडलाइंस है उनको नेगलेक्ट कर दिया है बाय दी एनजीटी और उसने नई गाइडलाइंस दी है अपनी. ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नई गाइडलाइंस बेसिकली है क्या. ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई इसने इस ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि जब किसी भी इंडस्ट्री को आप परमिट प्रोवाइड करते हो कि आप ग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हो इन योर इंडस्ट्रीज, या फिर कोई प्यूनिटिव एक्शन लेते हो, मतलब उन्होंने कोई गलत काम कर दिया है जो कि पनिशेबल है, तो जब आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवनेस दिखानी पड़ती है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई इंडस्ट्री वाले कुछ भी करते जाए और आप लोगों को पता ही ना चले. ठीक है, तो उनको बेसिकली आपको रोकना है टू हैव द इलीगल परमिट्स एंड टू डिक्रीज द पनिशेबल ऑफेंसेस. ये तो इसने बेसिकली ये बोला है. साथ में इसने जो है स्पेसिफिक जो इसकी गाइडलाइंस है वो क्या कहती है, इसने क्या कर दिया है, इट हैज बैंड द जनरल परमिशन फॉर विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर टू द कमर्शियल एंटिटीज, जो कि किसी भी इंडस्ट्री ने लगाया है, विदाउट एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है बेसिकली वो कराया जाता है जिस मतलब जब कोई प्रोजेक्ट लगता है, मान लो कोई डैम लगना है, तो डैम को बनाने से पहले क्या होता है, EIA होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसी असेसमेंट, ये देखा जाता है कि डैम के बनने की वजह से एनवायरमेंट को हानि पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है. ठीक है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ असेसमेंट जिसकी वजह से हम लोग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देख सकते हैं. तो जब तक किसी भी इंडस्ट्री ने अगर पानी यूज करना है ग्राउंड वाटर वाला विदाउट यूजिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, आप उस ग्राउंड वाटर को यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर किसी इंडस्ट्री को ग्राउंड वाटर यूज करना है तो दे शुड हैव द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट है, कोई भी अगर आपने परमिट दिया है किसी भी इंडस्ट्री को तो वो हमेशा के लिए नहीं है, कुछ टाइम के लिए है, है ना, और ये नहीं है कि भाई आपको परमिट मिल गया कितना ही पानी यूज करो, पानी का भी कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना, तो देयर शुड बी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर यूज, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर यूज, और हमेशा के लिए नहीं मिलना चाहिए, शुड नॉट बी यूज फॉर द परपेचुएटी, हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ टाइम लिमिट के अंदर ही होना चाहिए. और साथ में आप कितना पानी यूज कर रहे हो ये आपको कौन बताएगा, आपने अपनी इंडस्ट्री में क्या लगाने हैं, यू शुड इंस्टॉल द डिजिटल फ्लो मीटर्स
जो आपको बताता रहेगा कि भाई आपने कितना ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज कर लिया है, और ये हर साल ऑडिट किया जाएगा कि क्या आपके डिजिटल फ्लो मीटर्स ढंग से काम कर रहे हैं, इसमें कोई आपने गड़बड़ी तो नहीं कर रखी कि जिससे आप वाटर ज्यादा यूज कर लो और ये दिखा कम रहा है। तो ये ऑडिटिंग भी जो है वो होगी बाय द थर्ड पार्टीज, मतलब कोई थर्ड पार्टी होगी ना, स्टेट ना कोई गवर्नमेंट की नहीं होगी, कोई प्राइवेट की नहीं होगी, कोई अलग से ही पार्टी होगी अदर देन दी गवर्नमेंट एंड अदर देन दी इंडस्ट्री। तो ये तो टू पार्टीज है ना, तो इनके अलावा जो थर्ड पार्टी इसका ऑडिट करेगी, तो ये सब बोला है एनजीटी ने। साथ में इसने ये बोला है कि जितना भी अगर कोई भी एंटिटी फेलिंग इन सच ऑडिट्स, कि भाई किसी को ऑडिट करवाया गया लेकिन उसमें गड़बड़ी पाई गई, तो फिर जो है ब्लैक लिस्टिंग कर सकते हो आप उस इंडस्ट्री की, उसका लाइसेंस भी आप रद्द कर सकते हो, है ना। तो ब्लैक लिस्टिंग और प्रोसिक्यूशन मतलब आप उसको जेल में भी डाल सकते हो, तो जेल भी डाल सकते हो, फाइन भी भरवा सकते हो अगर वो ऑडिटिंग में फेल हो जाता है तो, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें है 3 months टाइम हैज बीन गिवन टू द मेक टू मेक वाटर मैनेजमेंट प्लान्स फॉर ऑल दी ओवर एक्सप्लोइटेड क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल एरियाज। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो खास करके महाराष्ट्र वाला रीजन, आपका हरियाणा और पंजाब वाला रीजन, पंजाब में आपके फ्लोरीन ज्यादा मिलता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल में आपका ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक मिलता है, ये आपका हैवी मेटल है जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, है ना। तो ये सब जो कुछ एरियाज हैं जिनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, मतलब इन एरियाज में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे स्टेट्स में एनजीटी ने बोला है कि आपको ऐसे एरियाज के लिए अलग से वाटर मैनेजमेंट प्लांट्स लेकर आने पड़ेंगे, ताकि जो वाटर है उसका आप सस्टेनेबल यूज कर सको, जुडिशियस यूज कर सको, ठीक है। तो ये सब क्या है, एनजीटी ने बोला है ये सब कुछ अगेंस्ट है, अगेंस्ट दी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की गाइडलाइंस। उसने कुछ और बोला था बट वो सब रद्द कर दी गई है। दीज आर द न्यू प्रोविजंस, दीज आर द न्यू गाइडलाइंस, और यही आपको ध्यान में रखनी है। क्रक्स बेसिकली यही निकलता है कि वी शुड कंजर्व द ग्राउंड वाटर। अगर हम लोगों ने ग्राउंड वाटर कंजर्व नहीं किया तो आगे आने वाले टाइम में ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी पानी का मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर के लिए मुश्किल हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली आपका चीजें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट है आपका डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च्ड बाय द DRDO, ठीक है। ये तो बेसिकली आपका एक कैंपेन है, एक कॉन्टेस्ट है जिसमें लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो जीत जाएगा उसको इनाम भी मिलेगा, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है, डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द DRDO, और कब लॉन्च किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की डेथ एनिवर्सरी पर, बिकॉज APJ अब्दुल कलाम वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो अगर मिसाइल मैन ऑफ द कंट्री APJ अब्दुल कलाम, हु इज द मिसाइल वुमेन ऑफ कंट्री, ये आप कमेंट में लिखना मेरे को, इसका आंसर आपको देखना है कि हु इज नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम की 5th डेथ एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया था, जो कॉन्टेस्ट का नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0। बेसिकली होगा क्या इसमें, ये एक ऐसा कंटेस्ट है, एक ऐसा आप कह लो कि चैलेंज है, जिसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जो नॉर्मल एक पर्सन है या फिर स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, उनको डिफेंस एरियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करने के लिए चैलेंज दिए जाएंगे, कि आप बताओ कि किस तरीके से हम लोग इंडिया में डिफेंस के रिगार्डिंग और स्पेस के रिगार्डिंग चीज़ों को और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज लेकर आओ, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्टेस्ट है, एक चैलेंज है, जो इसमें जीत जाएगा उसको थोड़े से नहीं बहुत पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका एक और चैलेंज भी है अंडर दी आत्मनिर्भर भारत अभियान, क्योंकि इंडिया में ही अगर आप सभी टेक्नोलॉजी बनाने लग गए हो तो फिर हमें जो अदर कंट्रीज हैं उन पर डिपेंडेंस हल्की सी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो अगर स्टार्टअप कोई जीतता है तो उसको मिलेंगे 10 लाख रुपीज, और अगर कोई इंडिविजुअल जीतता है तो उसको मिलेंगे 5 लाख रुपीज, और वो पैसे कहाँ यूज होंगे, पैसे यूज होंगे स्पेसिफिकली जो भी आपने आइडिया प्रेजेंट किया है ना। अगर आपने कोई ऐसा आइडिया प्रेजेंट किया है जिसकी वजह से आप लॉन्च व्हीकल्स को बहुत इजीली बना सकते हो, है ना, सैटेलाइट्स को बहुत इजीली बना सकते हो, नई टेक्नोलॉजीज और आपने इमर्ज करी हैं, तो आपको अल्टीमेटली उस पर काम करना है विद द यूज ऑफ दिस मनी, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट है आपका, अगर इसमें फोकस एरियाज कौन कौन से हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स टाइप ऑफ,
साइबर सिक्योरिटी की, भाई हमारे जो जो हमारे चीजें हैं वो हैक ना हो। तो नॉन हैकिंग के लिए आपको चीजें प्रमोट रखनी है, किसी भी तरीके से इंटरनेट का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, लोगों का डेटा लीक ना हो, तो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बनाओ जो इस चीजों को डिटेक्ट कर सके। हाइपरसेंट टेक्नोलॉजीज मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हम लोग मिसाइल में यूज कर सके, जिससे उनकी जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक लेवल पर पहुंच जाए। हाइपरसोनिक इज बेसिकली 5 to 7 मैक, ये हम लोग कर चुके हैं जब मिसाइल्स बेसिकली करते हैं, तो 5 to 7 मैक जो आपकी लिमिट है, दैट इज हाइपरसोनिक चीजें। तो बाकी और भी चीजें हैं कि भाई आप इस एरिया में काम कर सकते हो, इस एरिया में कोई नई टेक्नोलॉजी हम लोगों को बता सकते हो, तो वो मर्जी है बेसिकली, जो सिलेक्ट किया जाएगा उसको जो है पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किसने किया है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, किसकी डेथ एनिवर्सरी पर ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, और कमेंट में आप लोगों को लिखना है हु इज द मिसाइल वेमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है पिंक कलर ऑफ लोनार लेक इन महाराष्ट्र। देखो फोटो में आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से महाराष्ट्र में एक लेक है लोनार लेक, ये हम लोगों ने पहले भी करी है लोनार लेक, जिसमें हमने देखा था कि इसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज दी रामसर साइट रिसेंटली। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है इसको, आई थिंक 41st थी ये, 41st रामसर साइट वॉज लोनार लेक, 40th आपकी सुर सरोवर लेक थी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इसका जो कलर है वो पिंक देखा गया था, तो पहले ये ब्लू कलर की दिखती थी बट अब एकदम से इसका कलर पिंक हो गया, तो किसी सारे साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि इसका कलर ब्लू टू पिंक हो गया। ठीक है, तो कई लोगों ने चमत्कार बताया, जैसा कि हमारे इंडिया में बताया जाता है, लेकिन फिर जब बाद में रिसर्च वगैरह हम लोगों ने करी तो हम लोगों को पता लगा कि इसमें एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, अ काइंड ऑफ रेड कलर्ड, एक ऐसा हेलो आर्किया इसको बोलते हैं, जो बैक्टीरिया उसका नाम है दिस हेलो आर्किया, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट लविंग, मतलब जिस जगह पर सैलिनिटी ज्यादा होती है वहां पर ये बैक्टीरिया जनरेट हो जाता है, और इसकी जो बेसिकली आपकी स्ट्रक्चर है दैट इज काइंड ऑफ रेड कलर्ड और पिंक कलर्ड। तो जब इस लेक में सैलिनिटी बढ़ गई, सैलिनिटी के बढ़ने की वजह से ये बैक्टीरिया जनरेट हो गया, बैक्टीरिया आ गया इस पानी में, और जब ज्यादा अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आ गया तो इसने जो लेक का कलर है वो भी पिंक कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जब तक ये सैलिनिटी बनी रहेगी तब तक वो बैक्टीरिया रहेगा, जैसे ही सैलिनिटी कम हुई वैसे बैक्टीरिया भी चला जाएगा, है ना, इसका मतलब ये जो पिंक कलर है दैट इज नॉट परमानेंट। ठीक है, चलो, और अगर हम देखें कि इसकी सैलिनिटी बढ़ी क्यों थी, किसी भी सैलिनिटी कैसे बढ़ सकती है आपकी, एब्सेंस ऑफ रेन, है ना, एब्सेंस ऑफ रेन मतलब जब कम रेनफॉल हो तो कम पानी जो है लेक में जाता है, तो जब कम पानी है लेकिन सॉल्ट कंटेंट तो उतना ही है ना, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है सैलिनिटी बढ़ जाती है, तो जैसे ही बारिश होगी वैसे ही सैलिनिटी कम हो जाएगी कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन एडेड। ठीक है, वही एग्जाम्पल है, अगर आपके पास एक गिलास है वो आधा भरा हुआ है, उसमें आपने एक चम्मच सॉल्ट डाला हुआ है, इसका सैलिनिटी बढ़ी हुई है, अगर आपने उस गिलास को फुल कर दिया और अभी भी उसमें एक चम्मच सॉल्ट ही है, तो इसका मतलब इस वाले पानी में क्या है, सैलिनिटी कम है, तो इसी वजह से जैसे ही रेनफॉल ज्यादा होती है वैसे ही सैलिनिटी भी चीजों की कम होनी शुरू हो जाती है, तो वहां पर रेन काफी टाइम से हो नहीं रही थी इसलिए ही सैलिनिटी बढ़ गई थी, और साथ में जो है इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो गया था, इवेपोरेशन ज्यादा हो गया तो क्या है, पानी सारा उड़ गया, पानी उड़ गया का मतलब क्या है, बेसिकली पानी कम हो गया, पहले अगर फुल ग्लास था तो अब इवेपोरेशन की वजह से सिर्फ आधा रह गया, सॉल्ट तो इवेपोरेट होता नहीं है, सॉल्ट नेवर गेट इवेपोरेटेड, सॉल्ट हमेशा पानी के अंदर ही रहता है, सिर्फ पानी इवेपोरेट होता है, तो सॉल्ट तो वहीं रहेगा, तो इस वजह से भी आपके उस लेक की सैलिनिटी बढ़ गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लोनार लेक किस स्टेट में है, कौन सा ऐसा कलर हो गया था, किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ था, और व्हाट इज द रीजन कि सैलिनिटी बढ़ी क्यों थी। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चंस के आंसर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग हल्के से पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका रेज इनिशिएटिव। रेज इनिशिएटिव की तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है एज यूजुअल, है ना, जहां पर भी फुल फॉर्म आ जाए वो तो याद रखनी ही रखनी है, खास करके स्कीम्स की और प्रोग्राम्स की। तो रेज का बेसिकली मतलब है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। इतना बड़ा नाम रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली क्रक्स निकालो कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग जितने भी एरियाज हैं, हम लोग एयर कंडीशनिंग एरियाज हैं, कई जो ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं,
उसको हम लोगों को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि भाई जो इंडोर एयर पोल्यूशन है उसको हम लोग कम से कम कर सके, क्योंकि हमें पता है कि एयर कंडीशनिंग की वजह से जो जितने भी आपका एयर में कंकड़ होते हैं वो सारे वहीं पर रहते हैं, क्योंकि हाई क्योंकि लो टेम्परेचर में चीजें वहीं पर रहती है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वो एटमोसफेयर में आगे निकल जाती है, लेकिन अगर टेम्परेचर लो है तो फिर वो वही चीज पड़ी रह जाती है, तो पोल्यूटेंट्स वहीं पर रहते हैं। इस वजह से जो आपका इंडोर एयर क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेकार हो जाती है। तो हम लोगों को एयर कंडीशंस एरियाज को इस तरीके से रेट्रोफिट करना है कि इंडोर एयर क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है दैट इज द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ, ध्यान में रखना पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ईईएसएल। ईईएसएल इंडिया में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और यूएसए की यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, और ये जो रेज इनिशिएटिव है दैट इज अंडर द मैत्री प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस का ही एक, यूनाइटेड नेशंस और इंडिया का ही एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है जिसके अंदर ये रेज इनिशिएटिव चलाया गया है, जो किसका कोलैबोरेशन है, EECL और USAID का। फंक्शन क्या है कि भाई जितने भी एयर कंडीशन्ड वाले एरियाज हैं वहां पर एयर कंडीशंस को ऐसे रेट्रोफिट करना, ऐसे मॉडिफाई करना कि इंडोर एयर क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो अगर हम देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, तो पहला है आपका आप मतलब कैसे कर सकते हो इंडोर एयर क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। पहला तो यू कैन इंक्रीज द वेंटिलेशन, है ना, एयर कंडीशंस को ना यूज करते हुए आप ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाओ इंडिया वाली बिल्डिंग्स में कि वहां पर वेंटिलेशन काफी अच्छे तरीके से यूज की जा सके। अगर आप लोग अभी भी देखो जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, पुराने जमाने में जो बनी हुई है वो अभी भी ऐसी हैं कि वो गर्मी में ठंडी रहती है और सर्दियों में गर्म रहती है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है ना। तो क्योंकि पहले टाइम पे तो एसी तो होते नहीं थे, गर्मी लगती बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई कि भाई गर्मी में गर्मी ना लगे और सर्दी में सर्दी ना लगे। ठीक है, तो आप ये वेंटिलेशन को इंक्रीज कर सकते हो। हम कर सकते हैं फिल्ट्रेशन टू मिनिमाइज दी पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट्स, तो जितने भी एयर कंडीशंस की वजह से पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10 जितने भी जनरेट होते हैं उनको हम लोग फिल्टर कर सके, ताकि जो इंडोर में रह रहे हैं लोग वो PM2.5 या PM10 को इनहेल ना करें, क्योंकि अगर हम इनको इनहेल करते हैं तो वी गेट दी लंग इन्फेक्शन, तो उससे भी हम लोग बचे रहे। साथ में है मॉनिटरिंग एंड डिस्प्ले ऑफ इंडोर एयर क्वालिटी कि भाई कितना रह गया है, इंडोर एयर क्वालिटी कम है या ज्यादा है, उसका भी जो पूरा डिस्प्ले है दैट इज टू बी एंश्योर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनर्जी एफिशिएंसी अपग्रेड्स इन दी एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, कि अब आपको एयर कंडीशन सिस्टम इस तरीके से बनाने हैं कि एक तो वो एनर्जी एफिशिएंट हो, मतलब कम से कम बिजली खाएं और ज्यादा से ज्यादा ठंडक प्रोवाइड करें, और कम से कम जो है पोल्यूटेंट्स को रिलीज करें। जैसे एयर कंडीशन क्या रिलीज करते हैं, सीएफसी रिलीज करते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन रिलीज करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, तो ये चार बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं। वेंटिलेशन ध्यान रखेंगे, पार्टिकुलेट मैटर की फिल्ट्रेशन ध्यान में रखेंगे, मॉनिटरिंग ध्यान में रखेंगे और डिस्प्ले ध्यान में रखेंगे, और इट इज टू अपग्रेड द एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये इनिशिएटिव ध्यान में रखना है। और इसकी बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी है, जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अभी कोरोना की वजह से लोग ऑफिस में नहीं जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुला था, जुलाई वाले मंथ की न्यूज है ना बेसिकली, अब तो लॉकडाउन दोबारा से लग गया, तो उस टाइम पे लोगों ने बोला था कि भाई जैसे ही लोग वापस आएंगे अपने ऑफिस में तो उनको जो है कम्फर्ट फील होना चाहिए, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों को लेकर एयर क्वालिटी को भी आप लोगों ने मेंटेन करना है। ठीक है, तो इस वजह से ये इनिशिएटिव चलाया गया था विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, मैत्री प्रोग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसका बेसिक काम है कि भाई हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी वाले प्रोडक्ट्स को बना सके, खास करके जो बिल्डिंग में हम लोग काम बिल्डिंग्स में हम लोग चीजें यूज करते हैं, चाहे वो एलईडी बल्ब्स हो गए, चाहे वो और कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला चीजें हम बनाए, बिल्डिंग्स के आसपास हम लोग पेड़ लगाएं। ठीक है, तो उस हम किस तरीके से बिल्डिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैत्री प्रोग्राम। इंडिया में ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, मैत्री प्रोग्राम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर।
जो आपका EESL है ना, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, दैट आल्सो कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी इनिशिएटिव होगा मैत्री प्रोग्राम के अंडर, जैसे रेज इनिशिएटिव है, तो उसको EESL या मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका डॉल्फिन नंबर डिप्स इन चंबल रिवर। रिसेंटली मध्य प्रदेश वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डॉल्फिन सेंसस रिपोर्ट निकाली है, जिसके अंडर इन लोगों ने बताया है कि इंडिया में जो चंबल रिवर है, जो डॉल्फिन रिवर पाई डॉल्फिन पाई जाती है, वो उसका नंबर कम हो गया है। ठीक है, डॉल्फिन आप देख सकते हो इस तरीके की होती है, इट इज अ काइंड ऑफ ब्लाइंड स्पीशी, है ना, ये ब्लाइंड है। ये जो अपना खाना है वो कैसे करती है, बाय द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, एंड इट इज अ फ्रेश वाटर स्पीशी। अगर वाटर में पोल्यूशन लेवल बढ़ जाए तो फिर अल्टीमेटली इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इसको फ्रेश वाटर चाहिए होता है। ठीक है, इंडिया में ये हर जगह मिलती है, इंडिया में आपको गंगा में मिल जाएगी, इंडिया में आपको ये चंबल रिवर में मिल जाएगी, इंडिया में आपको ये ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाएगी, और कुछ अमाउंट ऑफ जो डॉल्फिन हैं ये आपको चिलिका लेक वाली साइड भी मिल जाएंगी। बहुत कम मिलेंगी बट मिल जाती है वहां पर, क्योंकि वहां पर एक डिफरेंट रिवर है जो पाई जाती है, वो तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंबल रिवर में है, चंबल रिवर में इस सेंसस के हिसाब से इसका नंबर कम हुआ था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई इट इज दी व्हाट काइंड ऑफ डॉल्फिन, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि ये आपको ब्रह्मपुत्रा, सोन रिवर, कोसी, ब्रह्मपुत्र इसमें मिल जाएंगे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम बात करें तो इट इज अ काइंड ऑफ ब्लाइंड स्पीशी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो आयुष जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें ये आपका शेड्यूल वन में इंस्टॉल्ड है। इसका इंस्टॉल्ड मतलब शेड्यूल्ड है, इसका मतलब इसकी हंटिंग और पोचिंग पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो जो एक्यूज है उनको मिलेगी। शेड्यूल वन में ये है, और IUCN की जो लिस्ट है जो हम लोग हर स्पीशी के लिए करते हैं, तो IUCN में ये एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो इसको बचाने के लिए उतने ही ज्यादा एफर्ट्स भी लगा रही है सरकारें। ठीक है, अगर हम देखें कि इसके ये जो सेंसस है वो कहता क्या है, कहता यही है कि डॉल्फिन के नंबर कम हो गए हैं, 13% ये कम हो गई है पिछले 4 सालों में। नहीं भी याद रखोगे कितना फाइंडिंग्स इन लोगों ने करी है, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। बस आपको डॉल्फिन के रिगार्डिंग जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए कि इंडिया में ये कहाँ मिलती है, किस रिवर में मिलती है, क्या फ्रेश वाटर में मिलती है, कैसी इसका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो बस आपको हल्का सा ये पता होना चाहिए, और IUCN में कौन से लिस्ट पे है और WPA एक्ट में कौन से लिस्ट पर है। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें कि व्हाट इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन, ऐसा क्या हो गया कि डॉल्फिन का नंबर कम हो गया, तो वन कैन बी द इलीगल सैंड माइनिंग। सैंड माइनिंग की जो चंबल रिवर के अराउंड सैंड माइनिंग होती है, जो पूरी इलीगल माइनिंग होती है, तो उस वजह से भी क्या होता है, आपका पानी में कुछ ना कुछ पोल्यूशन इंक्रीज होता है, और उस पोल्यूशन के इंक्रीज होने की वजह से डॉल्फिन के नंबर कम हो जाते हैं। ओवर यूज ऑफ रिवर वाटर, है ना, जब हम चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं तो उस वजह से भी जो है इनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं रह जाता। चेंजिंग रिवर कोर्स, पहले कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, अब ये रिवर जो है वो ऐसे फ्लो करने लग गई, है ना, तो जैसे जैसे रिवर अपना कोर्स चेंज कर रही है, वैसे वैसे डॉल्फिन को भी अपना जो है हैबिटेट चेंज करना पड़ता रहता है, तो कभी कभी हैबिटेट चेंज नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली ये बीच पर आकर, ये जो मतलब बैंक है रिवर के किनारे पर आकर, वहां पर ही डेड मिलती है कई बार। जैसे कई बार आपको व्हेल्स और शार्क्स ये सब आपको ना देखने को मिल जाती है बीच पर, काफी ज्यादा अमाउंट में ये मरी पड़ी मिलती है। ठीक है, कुछ है इनलैंड वाटरवेज, जब से हम लोगों ने वाटर में रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया है, तब से जो जो शिप्स है हम लोग यूज करते हैं, उससे जो पोल्यूशन निकलता है उस वजह से भी पोल्यूशन लेवल बढ़ता है और इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज, हम लोग अपने रिलीजन को मानते हुए जो नदियां हैं उनमें चीजें बहा देते हैं, है ना, तो उस वजह से भी क्या है इनका पोल्यूशन लेवल बढ़ता है और ये डिक्लाइन करनी शुरू कर जाती है। किलिंग तो है ही है, हंटिंग और पोचिंग तो इनकी होती ही है, खास करके इसके ऑयल के लिए इसकी पोचिंग की जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है कि दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से इंडिया में डॉल्फिन को बहुत ज्यादा नंबर पे डिक्लाइन फेस करना पड़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका सोलर ऑर्बिटर।
अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में था क्योंकि सोलर ऑर्बिटर को लॉन्च तो कर दिया गया है और इसने पहली बार बहुत ज्यादा नजदीक जाकर जो है इसकी पिक्चर ली है सन की। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में था। अगर हम देखें कि किसका मिशन है, इट इज अ जॉइंट मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड दी नासा ऑफ यूएसए। ठीक है, ये यूरोप की है, ये नासा की है, तो इन दोनों का एक जॉइंट मिशन है जिसकी वजह से ये लोग सन का स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सन का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से देखते हो जो सन है इज अ काइंड ऑफ आग का गोला, इसमें से क्या है, हीट किस तरीके से निकल रही है, क्यों निकल रही है, ये सब देखने के लिए इन लोगों ने इसको लॉन्च किया है। तो ऑर्बिटर है तो ये बेसिकली कहाँ घूमेगा, सन के जो अराउंड ऑर्बिट है उसमें ये घूमता रहेगा। ठीक है, चलो अगर हम देखें कि इसने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन देखी जब उसने ये फोटोज वगैरह क्लिक करी इसकी सन की, तो इसने देखा कि भाई देर आर सम मिनी फ्लेयर्स ऑन द सन दैट द साइंटिस्ट आर कॉल्ड कैंप फायर्स। जैसे क्या होता है ना कि अगर आपका ये सन है तो बहुत, ये जो कोरोना लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कोरोना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कोरोना। ठीक है, तो इस कोरोना में बेसिकली क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, इसकी वजह से ना कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट है वो निकलती रहती है, मतलब आग टाइप सी निकलती रहती है। तो अगर ये आग फ्लेयर्स की फॉर्म में निकल रही है, मतलब छोटी छोटी लाइटनिंग टाइप सी हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ सोलर फ्लेयर। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में आग जो है धरती की तरफ आ रही है, मोर अमाउंट ऑफ आग इज कमिंग टू द अर्थ, तो हम इसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर की सीरीज में ही, एक बार इसको रिवाइज करना। ठीक है, तो जो बेसिकली कोरोना लेयर है सन की, उससे फ्लेयर्स भी निकलती हैं जब टोटल मतलब बहुत फ्लैश ऑफ, जो मतलब बहुत एकदम से फ्लैश ऑफ आग निकलती है ना, उसको सोलर फ्लेयर बोलते हैं। और जब बहुत ज्यादा अमाउंट में आग निकलती है, बहुत ज्यादा बल्क में, मास में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। तो इसने ये देखा, सोलर ऑर्बिटर ने देखा कि भाई जो सन है उसकी कोरोना लेयर पर इस तरीके की मिनी फ्लेयर्स भी चलती रहती हैं, जिसमें बहुत कम लेकिन रेगुलरली वो फ्लेयर्स निकलती रहती है। ठीक है, तो ये जो साइज है बेसिकली इनका बहुत कम छोटा साइज है, इसीलिए जो अर्थ के टेलीस्कोप्स हैं ये इनको डिटेक्ट तो कर पाते हैं बट ज्यादा उनको देख नहीं पाते कि भाई बेसिकली इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो क्योंकि सोलर ऑर्बिटर थोड़ा सा पास जाके देख रहा है सन को, तो ये ज्यादा बता पाएगा कि भाई कैसा कैसा उनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपने हल्का ध्यान में रखना है कि ये ऑब्जर्वेशंस करी थी आपके सोलर ऑर्बिटर ने। ठीक है, और ये जो आपका सोलर ऑर्बिटर है दैट कम्स अंडर द कॉस्मिक विजन 2015 2025 प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका 7 ईयर मिशन है जो कि 7 साल तक धरती के जो है आपका सन के अराउंड घूमता रहेगा और बहुत ज्यादा पास चला जाएगा और अल्टीमेटली फोटोज क्लिक करके ये भेजता रहेगा। तो जब ये सन के पास में जाएगा तो ये सन की हीट से मेल्ट भी हो सकता है, बट ये मेल्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक टाइटेनियम हीट शील्ड लगी हुई है जो कोटेड इन दी कैल्शियम फॉस्फेट, एक ऐसी शील्ड है जिसके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट की कोटिंग भी कर रखी है। तो आपने इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रखना है कि भाई किसी भी चीज को अगर मेल्ट होने से बचाना है तो टाइटेनियम का यूज किया जाता है और उसके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट की जो है कोटिंग की जाती है ताकि मैक्सिमम टेम्परेचर को भी ये मैनेज कर सके। ठीक है, और जो आपका कॉस्मिक विजन प्रोग्राम है जिसके अंडर ये सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया गया है, इसका बेसिक मकसद ये था कि जो सन है नॉर्थ पोल पर किस तरीके से दिखता है और साउथ पोल पर किस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे सन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे कि नॉर्मल तो हम लोग लेयर से लेयर वाइज पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि जैसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सन पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी इस तरीके से ही है जैसे अर्थ पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपकी, तो ये भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ज्यादा मिलती हैं आपस में, मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे हल्की सी कम होती है, लेकिन क्या है इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होती रहती है अर्थ सन पे। तो इस वजह से ये पता लगाना कि भाई वाई मैग्नेटिक फील्ड, वाई मैग्नेटिक लाइंस इज चेंजिंग देयर स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो ये सब स्टडी करने के लिए आपको सन का नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है देखना पड़ेगा और इसी को ही स्टडी करने के लिए ईएसए ने कॉस्मिक विजन प्रोग्राम चलाया है
जिसके अंडर सोलर ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपने हल्का सा इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका नेशनल बायो फार्मा मिशन। देखो नाम से ही क्लियर है, बायो फार्मा, फार्मा का मतलब होता है दवाइयां बनाना, है ना, और बायो का मतलब है कि भाई एक ऐसी दवाइयां बनाना जिसमें हम लोग किसी भी लिविंग वायरस, लिविंग बैक्टीरिया को यूज करके किसी भी डिजीज के अगेंस्ट यूज करवा सके। ठीक है, तो जो नेशनल बायो फार्मा मिशन है इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है और ये किसने लॉन्च किया है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो इम्प्लीमेंट किसने किया है इसको, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द बिराक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि जो नेशनल बायो फार्मा मिशन है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने बिराक ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और आपने इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है, इट इज द इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेटिव मिशन। अगर आपको ये याद रहेगा ना, ये वाला चार वर्ड्स, तो आपको ये पूरा का पूरा याद रहेगा। इंडस्ट्री एकेडेमिया का मतलब क्या है कि भाई जब लोग फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो पहले वो अपना कोर्स खत्म करते हैं, उसके बाद वो लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए, तो क्या है चीजें हल्की सी डिले हो जाती है। तो जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको साथ साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों ना प्रोवाइड करवाई जाए, आपको क्यों ना पढ़ाई करते करते ही रिसर्च के लिए पैसे दिए जाए, आपको क्यों ना सपोर्ट दिया जाए। तो बायो फार्मा मिशन यही कहता है कि भाई इंडस्ट्री और एकेडेमिया का, इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन का आपस में इस तरीके से कोलैबोरेशन हो कि थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज साथ साथ चले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद आप लोगों ने जो है प्रैक्टिकलिटी में आए, तो इस वजह से क्या है चीजें हल्की सी डिले हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है बायो फार्मा मिशन का, इट इज द इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेटिव मिशन। ठीक है, इसके अंदर ही द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इनोवेट इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया I3 प्रोग्राम है। इनोवेट तीन आईज है ना बेसिकली, तो I3 प्रोग्राम है टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। कि भाई हमें किसी डिजीज की ड्रग के लिए जिसमें बायोलॉजिकल मटेरियल हम लोगों ने यूज किया है सच एज वायरस और बैक्टीरिया, उसके लिए हमें किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। हमारे ही देश में ऐसे लोग होने चाहिए कि जो एंटरप्रेन्योरशिप में, प्रमोशन में जो सरकार है उनको सहायता करे, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री की इंडिया में ही हो रही है वो इंप्रूव हो। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कम अंडर द इनोवेट इन इंडिया, जो किसके अंडर आता है, नेशनल बायो फार्मा मिशन के ही अंडर आता है। इंप्लीमेंट कौन करता है इसको, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द बिराक। ठीक है, चलो इसके जो फोर फोकस हैं ये आपको क्लियर है हल्का सा कि भाई वैक्सीन बनानी है, बायो फार्मा ना तो वैक्सीन बनानी, जो मेडिकल डिवाइसेज हैं वो बनाने, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसको यूज करके हम लोग वैक्सीन या मेडिसिन बना रहे हैं उसकी अपग्रेडेशन करना, ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करना मतलब लोगों की स्किल को बढ़ाना, है ना, और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को डेवलप करना टू हेल्प द इनहांस इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटर लिंकेजेस। कि जो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो साथ साथ ही जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आनी शुरू हो जाए। ठीक है, फोर वर्टिकल्स की तरफ ही फोकस करता है, बट आपको ना बेसिकली क्रक्स निकालना है इसका कि भाई इंडिया में मेडिकल और वैक्सीन्स वगैरह, मेडिकल डिवाइसेस, वैक्सीन्स और मेडिसिन्स बनाने के लिए एक इंडस्ट्री और एकेडेमिया का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ताकि थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकलिटी साथ साथ चले। ठीक, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने अंडर बायो फार्मा मिशन ही इंडिया इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपने इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 और इसकी क्या नई अमेंडमेंट्स हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो किसी भी एक्ट, जो कोई भी एक्ट होता है ना उसमें कोई भी जब चेंजेस लेकर आए जाते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि भी पहले क्या था और चेंजेस किस किस में लेकर आए गए हैं और अल्टीमेटली उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये जो है बेसिकली है क्या। देखो आपको ध्यान में रखना है, कोई भी मान लो एनजीओ है इंडिया में, ये काम करती है टू हैव द टू डिस्ट्रॉय द टू डिक्लाइन द चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर को खत्म करना इस एनजीओ का काम है और नए नए कैंपेन चलाने का काम है। तो एनजीओ को चलाने के लिए जो पैसे हैं या तो वो इंडियन से ही पैसे ले सकते हैं जो इंडिया में रहते हैं सिटीजन हैं जो, या फिर ये फॉरेन जो कंपनीज हैं या फिर फॉरेन जो पर्सन हैं, चाहे वो एनआरआईज हो, चाहे वो आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो,
है ना, कोई भी उनके पास अगर जैसे कार्ड है, मतलब कोई और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला पर्सन, ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन, यूएसए का सिटीजन भी एनजीओ को पैसे प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये जो एनजीओ है, इस फॉरेन जगह से आने वाले पैसे को कैसे यूज कर सकता है, उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार ने बनाए थे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ताकि ऐसा ना हो कि जो एनजीओ है वो सिर्फ एनजीओ के नाम पर बाहर से पैसा मंगाता रहे और अल्टीमेटली इंडिया में ब्लैक मार्केटिंग में ज्यादा देखा जाए। ऐसा ना हो कि ना, मतलब पैसे की हेरा फेरी ना हो, कि आपने जो पैसा फॉरेन से लिया है, जो डॉलर आपने लिए हैं बेसिकली, उसको आप कैसे यूज करें वो बताओ हमें, ठीक है। तो ये जो FCRA एक्ट है, ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ये अंडर आता है, ठीक है। तो आपने चीज ध्यान में रखनी है, और खास करके ध्यान में रखना है कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें एनजीओस के द्वारा यूज किया जाने वाला फॉरेन से आया हुआ फंड रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है। हम जब भी किसी पैसे की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिमाग में आता है, लेकिन क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग चीज है, कि भाई ऐसा ना हो कि फॉरेन वाले पैसे इंडिया में आते रहे और इंटरनल सिक्योरिटी को ये हैम्पर करते रहे, तो इस वजह से जो है ये रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर की जाती है, ठीक है। देखते हैं कि भाई 2010 वाला क्या कहता है। 2010 में बेसिकली एक्ट आया था, इसमें ये था कि भाई जितना भी रजिस्ट्रेशन कोई एनजीओ करवा रहा है वो 5 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर एनजीओ किसी ने अपना काम करना है तो फिर अल्टीमेटली 5 साल के लिए जो लाइसेंस है उसको मिला हुआ है वो यूज कर सकता है, और जो है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो सोशल पर्पस हो, एजुकेशनल पर्पस हो, रिलीजियस पर्पस हो, किसी भी चीज के लिए वो फॉरेन से फंड मंगा सकता है, यूज कर सकता है। बट उसको हल्का सा करना है कि इनकम टैक्स भरना है बस, ठीक है, बस वो कंपलसरी है उसके लिए। नई अमेंडमेंट्स देखते हैं कि बेसिकली नई अमेंडमेंट्स हैं क्या, देखते रहेंगे साथ साथ पहले वाले में क्या था और अमेंडमेंट्स में क्या है। पहले वाला जो एक्ट था ना, पहले होता था कि कुछ जो पर्सन हैं दे आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स, किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटर या पब्लिशर, जजेस, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स, है ना, मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सब किसी भी तरीके से एनजीओज में मतलब किसी भी तरीके से फॉरेन से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे पर्सन क्या है, गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, है ना। तो ये बेसिकली क्या हो सकता है, ये मिस यूज कर सकते हैं अपनी पावर्स का, इस पैसे को ये लोग अच्छे तरीके से क्या पता ना यूज करें, है ना। तो इस एक्ट के अंदर इन सभी को फॉरेन फंडिंग के लिए नहीं एप्लीकेबल माना गया था। इसी सीरीज में एक नई ऐड किया गया है, पब्लिक सर्वेंट। पहले गवर्नमेंट सर्वेंट है, बट दैट इज अ काइंड ऑफ अदर, पब्लिक सर्वेंट को यूज किया गया है इन दिस लिस्ट, इसको ऐड किया गया है। तो जो आपका पब्लिक सर्वेंट है, इट इज एनी पर्सन जो कि आपका गवर्नमेंट में इंप्लॉयड है, या फिर उसको कोई भी ऐसा पैसे मिलते हैं कि भाई जो उसने पब्लिक ड्यूटी निभाई है, तो सरकार से बेसिकली इसको पैसे मिलते हैं और सरकार की सर्विस में वो लगा हुआ है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है पूरी, इलेक्शन कैंडिडेट वाली, एडिटर वाली, जजेस वाली, इन सब में एक और ऐड कर दिया गया है पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। डेफिनेशन क्या है हम लोगों ने देख ली। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। पहले क्या होता था, कोई भी जो एनजीओ है अगर उसके पास फॉरेन से पैसा आया है तो वो किसी और एनजीओ को या किसी और पर्सन को पैसे नहीं सेंड कर सकती थी, अनलेस ये एनजीओ और पर्सन भी FCRA के अंदर रजिस्टर्ड हो, है ना। इसका मतलब अगर ये FCRA के अंदर रजिस्टर्ड है तो दे कैन ट्रांसफर दी फंड टू दी डिफरेंट एनजीओ। ये वाला एनजीओ भी FCRA रजिस्टर्ड है और ये वाले भी FCRA रजिस्टर्ड है, तो आपस में ये ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पहली बार इस बिल ने क्या किया है, इट प्रोहिबिट दी ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन, चाहे वो आपका रजिस्टर्ड है या नहीं है FCRA के द्वारा फर्क नहीं पड़ता, बट आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिस एनजीओ को पैसे मिले हैं सिर्फ वही एनजीओ ही अपना काम करने के लिए उसको यूज करेगी, किसी और एनजीओ या पर्सन को वो चीजें ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगर ये ट्रांसफर करेगी तो फिर ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आधार फॉर द रजिस्ट्रेशन। पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर आपको FCRA के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो फिर आपको जो आपका आधार नंबर है वो देना होगा, और सिर्फ आपका ही नहीं, सभी जितने भी आपके ऑफ ऑल इट्स ऑफिस बेयरर्स, जो भी आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, डायरेक्टर्स हैं आपके एनजीओ के, की फंक्शनरीज हैं, उन सब के जो आधार नंबर हैं वो आपको देने पड़ेंगे,
बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये एक नया आया है। और अगर कोई फॉरेनर है तो उसको अपना पासपोर्ट या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाला जो कार्ड है वो दिखाना पड़ेगा, उसकी कॉपी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर आपकी इंडिया में कोई ऐसा पर्सन काम कर रहा है, आपकी एनजीओ में अगर ऑस्ट्रेलिया का पर्सन काम कर रहा है, तो आधार नंबर तो होगा इसके पास ऑब्वियसली, उसके पास उसका पासपोर्ट होगा, तो उसकी कॉपी भी आपको देनी पड़ेगी अगर आपको अपने आप को FCRA के अंदर रजिस्टर करवाना है तो। ठीक है, तो ये एक नई अमेंडमेंट है। नेक्स्ट है आपका FCRA अकाउंट। पहले क्या होता था, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड एनजीओ अपना एक फॉरेन अकाउंट खोल सकता था इन अ सिंगल ब्रांच ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन वो अपने किसी और अकाउंट को यूज कर सकता था टू यूटिलाइज द फंड। मतलब जो इसका जो अकाउंट है, जो इसका पूरा का पूरा एक ब्रांच में है, इसमें सारा का सारा पैसा फॉरेन से ये लोग रिसीव कर रहे हैं, लेकिन इस अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसको ये अपने अलग अलग अकाउंट 2, 3, 4 ये अलग अलग जो अकाउंट है किसी और अदर बैंक के, मान लो आपका ये वाला बैंक अकाउंट तो SBI में था, ये बाकी 3 आपके HDFC में है, तो ये पैसे ट्रांसफर कर सकते थे अपने अलग अलग अकाउंट्स के लिए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो FCRA अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है SBI न्यू दिल्ली की ब्रांच में ही खुलेगा, और आप उस फंड और आप उस अकाउंट से जो पैसे हैं वो किसी और अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप अपने पैसे उसी अकाउंट में रखेंगे, उसी से निकालेंगे, है ना, और दिखाएंगे कि भी आपने कितने पैसे निकाले, कहाँ पर यूज किए, तो जो ऑडिटिंग है उसमें हल्का सा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। पहले क्या होता था, एक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उसको अलग अलग अकाउंट में भेज दिया, कभी किसी ने कोई चीज यूज कर ली, कोई ऑडिटिंग नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इस वजह से क्या होता था, एनजीओ बहुत ज्यादा ब्लैक मनी की सर्कुलेशन करते थे, जो काम के लिए पैसे आए हैं उसके लिए यूज नहीं किए हैं, बस अपनी ब्लैक मनी को ढकने के लिए इन लोगों ने एनजीओ के नाम पर पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है रिस्ट्रिक्शन इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। ये पहले जैसे हम लोग डिस्कस किया है कि इट सीक्स टू प्रोहिबिट द ट्रांसफर ऑफ FCRA फंड, कि एक जो फंड है उसमें अगर पैसे आ गए हैं तो आप उसको किसी और पर्सन या और किसी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन इन द यूज ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। जो एनजीओ है उसमें कई सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए भी काम करते हैं, जो क्लरिकल काम है वो भी करते हैं। पहले जितना भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आया था उसका सिर्फ उसका मोर देन मतलब 50% से कम आप यूज कर सकते थे फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, लेकिन अब ये लिमिट कर दी गई है 20%। मतलब अगर आपको 100 रुपए मिले हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो सिर्फ 20 ही आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। देखो, इससे ये चेक होगा कि अल्टीमेटली पहले क्या था ना, सरकार जो एनजीओज हैं वो दिखा देते थे कि भाई मेरे तो एडमिनिस्ट्रेशन में इतने लग गए, मेरे यहाँ तो इतने एम्प्लॉयज काम करते हैं, बस रिकॉर्ड में होते थे, काम कोई नहीं करता था वहां पर, बस एम्प्लॉयज रिकॉर्ड में है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस दिखा के ये लोग बच जाते थे कि हमने पैसे कहाँ लगाए। तो अब क्या है, लिमिट ही कम कर दी गई है, तो अल्टीमेटली हमको सारा पैसा दिखाना पड़ेगा कि भाई हम लोगों ने किस किस चीज के लिए यूज किया, तो इट विल इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। अगर कोई पर्सन चाहता है या एनजीओ चाहता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन मेरा खत्म कर दो, तो फिर वो अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकता है, लेकिन उससे पहले सरकार ये देखेगी कि क्या उसने कोई FCRA के अंडर जो भी प्रोविजन था उसको वायलेट किया है कि नहीं किया है। अगर वायलेट नहीं किया है तो फिर उसको सरेंडर कर सकते हैं, और अगर वो सिर्फ बचने के लिए सरेंडर कर रहा था और सरकार को पता लग गया ड्यूरिंग द इंक्वायरी, तो फिर उसके ऊपर पनिशेबल ऑफेंस का चार्ज लगाया जाएगा। ठीक है, सरेंडर सर्टिफिकेट तभी होगा जब अपनी इंक्वायरी पूरी कर लेगी सरकार कि भाई आपने कोई भी प्रोविजंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 180 दिन के लिए ही किसी एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म कर सकती थी, सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन अब जो है सस्पेंशन कैन बी अप टू एडिशनल 180 डेज, मतलब टोटल 360 डेज हो गए उसके लिए किसी भी एनजीओ का जो फॉरेन फंड लेता है उसको सस्पेंड ये लोग कर सकते हैं उसका रजिस्ट्रेशन, अगर उनको लगता है कि भाई ये ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहा है, ब्लैक मनी की सर्कुलेशन कर रहा है तो। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस हैं यार जो FCRA के अंदर आपको ध्यान में रखना है। एक बार हम लोग देख लेते हैं दोबारा से।
पहले वाले था आपका, जिसमें एक नई कैटेगरी ऐड कर दी गई है, पब्लिक सर्वेंट वाली, पहले नहीं था ये। दूसरा था, अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आप लेते थे वो किसी और एनजीओ में आप पहले ट्रांसफर कर सकते थे, बट अब वो ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। आधार कार्ड चाहिए है, फॉरेनर का पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड चाहिए है। एफसीआर अकाउंट, पहले एक अकाउंट में से आप दूसरे अकाउंट में सेंड कर सकते थे, बट अब वो भी नहीं सेंड कर सकते। ठीक है, यूटिलाइजेशन है कि भाई अब एफएफसीआरए फंड जो है जिसको आया है सिर्फ वही यूज करेगा, कोई और एनजीओ यूज नहीं कर सकता उसको। फॉरेन कंट्रीब्यूशन के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए पहले सिर्फ 20% था, पहले 50% था सॉरी, और अब 20% रह गया है। सरेंडर भी कर सकते हो अगर आप कोई एफसीआरए का वैलिडेशन नहीं किया है आपने सर्टिफिकेट अपना, और सस्पेंड भी कर सकते हो, सरकार जो है सस्पेंड कर सकती है सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट। पहले 90 डेज के लिए कर सकती थी, अब 360 डेज के लिए कर सकती है। ठीक है, तो आज के लिए अपने यही टॉपिक्स थे जुलाई पार्ट टू के लिए। अब हमारा जुलाई का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग अब जून का करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अप्रैल का करेंगे या नहीं करेंगे, तो अप्रैल का हम जून के बाद करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे पेपर आता जाएगा वैसे वैसे जो मंथ कवर होते जाएंगे उसको हम लोग एक्सटेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो बस रिविजन करना है, और आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लेना फ्रॉम द सीबीएल ऐप, और उसको एक बार दोबारा से पढ़ना ताकि आपकी जो चीजें हैं वो आपको याद रहें फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियोस देखने से सिर्फ पेपर पास नहीं होता, उसको बार बार आपको रिवाइज भी करना है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक चीजें आपको क्लैरिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।